बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब देखें, हमारा एक्सरसाइज 1.3 है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो उसे क्वेश्चन नंबर 8 आज करते हैं, ठीक है। और इसमें दो तीन चीज़ें हमारी आएंगी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो कह रही इसको प्रूव करके दें, ठीक है। तो लेट्स सी हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। और ये मैंने आपको हिंट दिया था लास्ट टाइम कि इसमें हम ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो हम पहले लेफ्ट को लेते हैं। तो ए प्लस बी, तो इसको मैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड का नाम देता हूँ। तो ए प्लस बी पहले हम ऐड कर लेते हैं, और वो आपको पता है कि बहुत आसान तरीका है। तो इनको जस्ट मुझे ऐड करना है। तो बच्चों देखते हैं, 1 + 1 वी गॉट 2, 2 + 1 वी गॉट 3, 0 + 2 वी गॉट 2, 1 + 0 वी गॉट 1। इसके बाद हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये a प्लस बी हमारा निकल आया, फाइंड आउट हो गया। तो a प्लस टी को हम का ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज आपको पता है कि ये रो जो है वो पहली जो रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बनेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अब लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, अब इसको करते हैं। तो पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं, और आपको पता है कि ये मैं ए का ट्रांसपोज लिख रहा हूं, और प्लस यहां पे क्या लिख लें आप, राइट हैंड साइड। तो यहां पहले मैं ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं, और फिर बी का ट्रांसपोज, और दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, यहां पे ए का ट्रांसपोज है, और यहां मैं बी का ट्रांसपोज लूंगा। तो देखते हैं ए का ट्रांसपोज कैसे है, कि ये पहली कतार, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, और दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब मुझे सिंपली इनको ऐड अप करना है, और वो आप देखें तो हम इसको सिंपल ऐड करने का वे आपको पता ही है कि ये वाला इसमें ऐड हुआ तो 2 आ गया, ये इसमें ऐड हुआ तो 2 आ गया, ये इसमें ऐड हुआ 3 और 1। तो अगर आप देखें 1 और 2 से हम कह सकते हैं, हम यहां लिखेंगे From 1 and 2। तो हम दोनों इक्वेशन से हम फाइनली कह सकते हैं कि वो जो स्टेटमेंट प्रूव हो गई है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। जी बच्चों, इसी तरह ये आपका पार्ट नंबर 2 है। अगर आप देखें तो बस डिफरेंस यहाँ पे, यहाँ पे प्लस है, वहां माइनस है। तो चलिए आसान है, मैं कर देता हूँ आपके फिर भी लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम a माइनस बी करेंगे, और वो आपको पता है कि a मैट्रिक्स माइनस b मैट्रिक्स, और a है 1 2 0 1 and 1 2 1 0। तो इसको करना 1 - 1 we get 0, 2 - 1 we get 1, 0 - 2 we get -2, 1 - 0 we get 1। तो ये आपका a माइनस बी आ गया। अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है, देखिए ये जो रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको भी 1 कह देते हैं। तो हमारी लेफ्ट साइड साइड हमारी होगी, अब राइट करते हैं। तो राइट हैंड साइड भी कुछ ऐसे ही है, अगर आप देखें तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो मैं a ट्रांसपोज और माइनस b ट्रांसपोज करने जा रहा हूं। तो ये आपके पास a ट्रांसपोज यहां है, माइनस यहां पे b ट्रांसपोज है। तो a का ट्रांसपोज लें तो पहली रो 1 2 है, तो 1 2 ऐसे आ जाएगा, 0 1 ऐसे आ जाएगा। इसी तरह b ट्रांसपोज 1 1 u और 2 0। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखते हैं 1 - 1 we get 0, 0 - 2 we get -2, 2 - 1 1 और 1 - 2 बिल्कुल मैच हो गया इक्वेशन 1 और 2 से। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें क्या हासिल हुआ कि वो जो टॉप में प्रूव है वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। सो वी हैव प्रूव्ड दिस लिंक। तो ये लिंक हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा है क्या, कि वो a प्लस टी का ट्रांसपोज मैट्रिक है।
तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं. ए प्लस टी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. ये कैसे प्रूव करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक है. पहले तो मैं आपको इसको पहले हम कर लेते हैं. तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं. तो ए और तो ए का ए क्या चीज है आप देखते हैं. क्लियर. वन जीरो टू वन ये ए है और ए ट्रांसपोज क्या है. साफ सी बात है इसी का इसी ए का ट्रांसपोज ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो आप देख रहे हैं ये ए है और ये ए ट्रांसपोज है. दोनों को ऐड कर लिया तो वन प्लस वन वी गेट टू. टू प्लस जीरो वी गॉट टू. जीरो प्लस टू अगेन टू. वन प्लस वन टू. तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया. तो इसका मैं एक नाम रख लेता हूं. ठीक है. तो अब अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं चलें इसको हम लेके चलते हैं ऐसे ही कोई मसला नहीं है. सिमेट्रिक किसे कहते हैं पहले मैं आपको बता दूं. सिमेट्रिक किसे कहते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं और दोबारा से मैट्रिक्स वही आ जाए तो उसे कहते हैं ये सिमेट्रिक है. मिसाल के तौर पे अब मैं इसका चले नाम रख लेते हैं. लेट इसको अज्यूम कर लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का नाम मैंने तब्दील करके बी रख दिया है. तो बी अब आपके पास ये है टू 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 एंड टू. तो मैं बी का अगर ट्रांसपोज लूं तो क्या आंसर आ रहा है देखें आसान है. ये पहली रो पहला कॉलम बन गया दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया और देखा जाए तो दोबारा से ये बी ही हासिल हो गया. तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है बल्कि बी ना इस्तेमाल करें क्योंकि बी इस्तेमाल यूज हो रहा है इसका नाम सी रख लेते हैं. तो सी क्योंकि डिफरेंट नाम लेना है हम वो नाम नहीं यूज कर सकते जो कि अवेलेबल है. ठीक है. तो हम कहेंगे कि सी का ट्रांसपोज सी निकल आया. सो हम कह सकते हैं कि सो सी इज सिमेट्रिक. सी इज सिमेट्रिक और बिकॉज सी इसके बराबर है तो हमने कहा हेंस वी कैन से हियर दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. तो ये सिमेट्रिक हो गया. ठीक है बच्चों. अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन किए देता हूं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को इन ट्रांसपोज लें और आंसर दोबारा से वही आ जाए इसे कहते हैं सिमेट्रिक. जी बच्चों अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ. बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. तो यहां मैंने बी कॉपी किया जो कि वन टू वन जीरो है. यहां इसका ट्रांसपोज है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. इनको ऐड कर ले वन प्लस वन टू और वन प्लस टू थ्री और यहां पे थ्री और यहां पे जीरो. तो इसका नाम रख दिया मैंने के. ठीक है. सी रख लें के रख लें बट ए भी मत रखिएगा. तो ये रो बन गई पहला कॉलम और ये रो बन गया दूसरा कॉलम. और देखिए बिल्कुल ये बल्कि सॉरी मैं तो पहले कॉपी किया है तो यही कॉपी कर लें टू थ्री थ्री जीरो. अब इसका ये जो रो है ये पहला कॉलम बन गया ये जो रो है. तो अब चूंकि देखिए बिल्कुल मैच कर गया इसके साथ ना तो हम कह सकते हैं कि के का ट्रांसपोज लिया और दोबारा फिर के ही आ गया. सो के इज सिमेट्रिक. उनका के मैंने इसका नाम रखा था लिहाजा सिमेट्रिक हो गया. अगला वाला पार्ट है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. अब स्क्यू क्या है सब कुछ वही है लेकिन यहां बाहर माइनस आ जाए. तो हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं. ठीक है. और ए माइनस ए ट्रांसपोज ए है वन टू जीरो वन. इसका ट्रांसपोज है वन टू ऐसे आ गया और जीरो वन जो वो ऐसे आ गया. ठीक है. इनको माइनस कर लेते हैं. वन माइनस वन जीरो. टू माइनस वन इज टू. जीरो माइनस टू इज माइनस टू. वन माइनस वन जीरो. ये मेरा ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया. अब इसका मैं एक नाम रख लेता हूं ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू लेट से पी. सो अब पी जो है वो किसके बराबर है देख लेते हैं. जीरो टू माइनस टू जीरो. अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं देखें क्या बनता है. ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा. ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा. लेकिन अगर आप देखें तो सब में से अगर नेगेटिव कॉमन निकाला जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये नेगेटिव पॉजिटिव है ये नेगेटिव और ये तो देखें तो बिल्कुल मैच कर गया. तो अब इसका मतलब है कि हम पी ट्रांसपोज है वो माइनस पी के बराबर है. तो वी कैन से दैट कि जो पी है सो पी क्या चीज है इज स्क्यू सिमेट्रिक.